लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत दो। तुम खुद को कितना बेहतर समझते हो और तुम्हारा खुद के ऊपर कितना विश्वास है, इसके ऊपर ध्यान दो। ऐसी सिख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी, इसके पीछे का रहस्य क्या है, आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, पथचरा। पथचरा श्रावस्ती के नगर सेठ की पुत्री थी। किशोर वय होने पर वह अपने घरेलू नौकर के प्रेम में पड़ी डीएच गई। जब उसके माता पिता उसके विवाह के लिए उपयुक्त वर खोज रहे थे, तब वह नौकर के साथ भाग गई। दोनों अपरिपक्व पति पत्नी एक छोटे से नगर में जा बसे। कुछ समय बाद पथचरा गर्भवती हो गई। स्वयं को अकेले पाकर उसका दिल घबराने लगा और उसने पति से कहा, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, मैं गर्भवती हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊं। पति पथचरा को उसके मायके नहीं भेजना चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर उसका जाना स्थगित कर दिया। लेकिन पथचरा के मन में माता पिता के घर जाने की इच्छा बद्धी बलवती हो रही थी। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था, तब उसने पडढौसी से कहा, आप मेरे स्वामी को बता देना कि मैं कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर जा रही हूं। जब पति को इसका पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने ऊपर ग्लानि भी हुई कि उसके कारण ही इस कुलीन कन्या की इतनी दुर्गति हो रही है। वह उसे ढूंढने के लिए उसी मार्ग पर चल दिया। रास्ते में पथचरा उसे मिल गई। पति ने उसे समझा बुझाकर घर वापस लेवा लाया। समय पर पथचरा को प्रसव हुआ, सभी सुख पूर्वक रहने लगे। पथचरा जब दूसरी बार गर्भवती हुई, तब पति स्वयं उसे उसके माता पिता के घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। मार्ग में जोरों की आंधी वर्षा होने लगी। पथचरा ने पति से कहा कि वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करे। पति झाड़ियों से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक विषधर सांप ने काट लिया और वह तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। पथचरा अपने पति की प्रतीक्षा करती रही और ऐसे में ही उसे प्रसव हो गया। थोड़ी शक्ति जुटाकर उसने दोनों बच्चों को साथ लिया और पति को खोजने निकल पड़ी। जब उसे पतिमृत मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी। हाय, मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब अपने माता पिता के सिवा उसका कोई न था। वह उनके नगर की ओर बढ़ चली। रास्ते में नदी पड़ती थी। उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना कठिन था, इसलिए बड़े बच्चे को उसने एक किनारे पर बिठा दिया और दूसरे को छाती से चिपकाकर दूसरे किनारे को बढ़ चली। वहां पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आंखें छोटे बच्चे पर ही लगी हुई थीं। उसने देखा कि एक बड़ा गिद्ध बच्चे पर झपटकर उसे ले जाने की चेष्टा कर रहा है। वह चीखी, चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे किनारे पर बैठे बच्चे ने जब अपनी माँ की चीख पुकार सुनी तो उसे लगा कि माँ उसे बुला रही है। वह झटपट पानी में उतर गया और तेज बहाव में बह गया। छोटे बच्चे को गिद्ध ले उठा और बड़ा नदी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरा नष्ट हो गया। वह विलाप करती हुई अपने पिता के घर को चल दी। रास्ते में उसे अपने नगर का एक यात्री मिल गया, जिसने उसे बताया कि नगर सेठ का परिवार अर्थात उसके माता पिता और सभी भाई बहन कुछ समय पहले घर में आग लग जाने के कारण मर गए। ये सुनते ही पथचरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे तन मन की कोई सुध ना रही। वह पागल होकर निर्वस्त्र घूमने लगी। उसके मुख से यही शब्द निकलता, पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया, माता और भाई बहनों को चिता भी नसीब नहीं हुई। ऐसे ही विलाप करती निर्वस्त्र घूमती फिरती पथचरा को सभी अपमानित और लांछित करके यहां से वहां भगा देते थे। जेतवन में भगवान बुद्ध धर्म उपदेश दे रहे थे। पथचरा अनायास ही वहां आ गई। उपस्थितों ने कहा, अरे ये तो पागल है, इसे यहां से भगाओ। बुद्ध ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे मत रोको, मेरे पास आने दो। पथचरा जब बुद्ध के कुछ समीप आई तो बुद्ध ने उससे कहा, बेटी अपनी चेतना को संभाल। भगवान को अपने समक्ष पाकर पथचरा को कुछ होश आया और अपनी नग्नता का बोध हो आया। किसी ने उसे चादर से ढांक दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी, भगवान मेरे पति को सांप ने डस लिया और छोटे छोटे बच्चे मेरी आंखों के सामने मारे गए। मेरे माता पिता, बंधु बांधव सभी जलकर मर गए। मेरा अब कोई नहीं है, मेरी रक्षा करो। बुद्ध ने उससे कहा, दुखी मत हो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों की मृत्यु के लिए तुम आंसू बहा रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतरों से बहाती आ रही हो। उनसे भरने के लिए तो महासमुद्र भी छोटे पड्डी डीएच जाएंगे। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता।
जब मृत्यु आती है तो कोई परिजन आदि काम नहीं आते। यह सुनकर पच्चरा का शोक कुछ कम हुआ। उसने बुद्ध से साधना की अनुमति मांग, बुद्ध ने उसे अपने संघ में शरण दे दी। धर्म के परम स्रोत के इतने समीप रहकर पच्चरा का दुख जाता रहा। वह नित्य ध्यान व ज्ञान की साधना में निपुण हो गई। एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि देह पर पहले डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया, फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया, और तीसरी बार डाला गया पानी उससे भी आगे जाकर सूख गया। इस अत्यंत साधारण घटना में पच्चरा को समाधि का सूत्र मिल गया। पहली बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अल्पायु में ही मर जाते हैं, दूसरी बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव मध्यम व्यथा में चल बसते हैं, और तीसरी बार उड़ेले गए पानी के जैसे कुछ जीव अंतिम व्यस में मरते हैं। सभी मरते हैं, सभी अनित्य है। ऐसे में पच्चरा को यह भान हुआ जैसे अनंत करुणावान प्रभु बुद्ध उससे कह रहे हैं, हाँ पच्चारे, समस्त प्राणी मरण धर्मा है। इस प्रकार पच्चरा उन बौद्ध साधिकाओं में गिनी गई जिनको निह प्रयास ही एक जीवन काल में ही निर्वाण प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, अब चलिए गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, बुद्ध के ज्ञान से सेठ ने पाया सुख। धन्ना सेठ के पास 7 पुश्तों के पालन पोषण जितना धन था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता, तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। बस तुम यहां कुछ दिन रहकर प्रभु का ध्यान किया करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। वह जैसे ही ध्यान करने बैठता, उसका मन फिर अपनी दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध को यह बात बताई, किंतु बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के साथ वन में सायंकालीन भ्रमण कर रहा था, तो उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। वह दर्द के मारे कराहने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम जी कड़ाकर कांटे को निकाल दो, तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने मन कड़ाकर कांटा निकाल दिया, उसे चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसे ही लोभ मोह क्रोध घमंड व द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हैं। जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे, अशांत ही रहोगे। सेठ का अज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्पबद्धता अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर ले, वह अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अब चलिए गौतम बुद्ध की तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, बुद्ध ने सेवा का संदेश दिया। बौद्ध संघ के एक भिक्षु को कोई गंभीर रोग हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह चल फिर भी नहीं सकता था और मल मूत्र में लिपटा पड़ा रहता था। उसकी यह हालत देख उसके साथी भिक्षु भी उसके पास नहीं आते और घृणा से मुंह फेर कर आसपास से निकल जाते थे। कुछ दिनों बाद बुद्ध को यह बात पता चली तो वे तत्काल अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ उस भिक्षु के पास पहुंचे। उसकी दयनीय दशा से उन्हें घोर कष्ट हुआ। उन्होंने भिक्षु से पूछा, तुम्हें कौन सा रोग हुआ है? भिक्षु बोला, भगवान, मुझे पेट की बीमारी है। बुद्ध ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्रश्न किया, क्या तुम्हारी परिचर्या करने वाला कोई नहीं है भिक्षु की? ना सुनते ही बुद्ध ने आनंद से कहा, पानी लेकर आओ, हम लोग पहले इसका शरीर स्वच्छ करेंगे। आनंद पानी लेकर आए। फिर बुद्ध ने भिक्षु के शरीर पर पानी डाला और आनंद ने उसके मलमूत्र को साफ किया। अच्छी तरह धो पोंछ कर बुद्ध ने भिक्षु के सिर को पकड़ा और आनंद ने पैरों को। इस प्रकार उसे उठाकर चारपाई पर लिटा दिया। फिर बुद्ध ने सारे भिक्षुओं को एकत्रित कर उन्हें समझाया, भिक्षुओं, तुम्हारे माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, जो तुम्हारी सेवा करेंगे। यदि तुम परस्पर एक दूसरे की सेवा और देखभाल नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? याद रखो, जो रोगी की सेवा करता है वह ईश्वर की सेवा करता है। दीनहीन के प्रति करुणा व सेवा का भाव इस जगत को बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है, जो प्रत्येक देश काल परिस्थिति में प्रासंगिक है। तो दोस्तों, अब चलिए गौतम बुद्ध की चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, खुद की पहचान करो। तथागत यह भी कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए। दूसरों की बजाय व्यक्ति खुद के बारे में ज्यादा जानता है। उनका मत था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। एक बार की बात है,
किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे बुद्ध बैठे थे। किनारे पर पत्थरों की भरमार थी, पर छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती ही जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते रहते हैं। इस घटना की सीख यह है कि दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो दूसरों को सद्भाव और स्नेह देता है वह स्वयं भी आगे बढ़ जाता है। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मग्न थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। बड़ा शोर था और लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। तथागत ने देखा कि लोग एक युवती को घसीट कर ला रहे थे और उसको गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि यह स्त्री व्यभिचारी है और हमारे समाज का नियम है कि यदि व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। तथागत ने युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकारी वही है जिसने कभी व्यभिचार न किया हो और न ही उसके मन में ऐसे विचार कभी आए हों। इतना कहकर तथागत शांत हो गए। चारों ओर मौन था। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लिए हुए वहां से विदा हो गई। इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः न दोहराने का व्रत ले। तो दोस्तों, अब चलिए गौतम बुद्ध की पांचवी कहानी की शुरुआत करते हैं। पांचवी कहानी बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर का राजा बड़ा प्रतापी था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थीं। उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा, बहुत से विद्वानों से मिला। किसी ने कोई अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ कराए, पर फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ, उसे शांति नहीं मिली। एक दिन भेष बदल कर राजा अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजरा, तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने वस्त्र धारण कर रखे थे और वह पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देख राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ पाए। राजा किसान के सम्मुख जाकर बोला, हूं, मुझे तुम्हारे खेत पर ये चार स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली। चूंकि यह खेत तुम्हारा है इसलिए ये मुद्राएं तुम ही रख लो। किसान कहता है, आप ही रखें या किसी और को दान कर दें, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं। किसान की यह प्रतिक्रिया राजा को बड़ी अजीब लगी। वह बोला, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती, भला आप लक्ष्मी को ना कैसे कर सकते हैं। सेठ जी, मैं रोज चार आने कमा लेता हूं और उतने में ही प्रसन्न रहता हूं। किसान बोला, क्या आप सिर्फ चार आने की कमाई करते हैं और उतने में ही प्रसन्न रहते हैं, यह कैसे संभव है? राजा ने अचरज से पूछा, सेठ जी। किसान बोला, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है, प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। तो तुम इन चार आने का क्या क्या कर लेते हो? राजा ने उपहास के लहजे में प्रश्न किया। किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था, उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन चार आनों में से एक मैं कुएं में डाल देता हूं, दूसरे से कर्ज चुका देता हूं, तीसरा उधार में दे देता हूं और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूं। राजा सोचने लगा, उसे यह उत्तर समझ नहीं आया। वह किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था, पर वो जा चुका था। राजा ने अगले दिन ही सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना कह सुनाई और सबसे किसान के उस कथन का अर्थ पूछने लगा। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला और उसे कल की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मान पूर्वक दरबार में बैठाया। मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूं और तुम्हारे चार आने का हिसाब जानना चाहता हूं। बताओ, तुम अपने कमाए चार आने किस तरह खर्च करते हो जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो? राजा ने किसान से प्रश्न किया। किसान बोला, हुजूर, जैसा कि मैंने बताया था,
मैं एक आना कुएं में डाल देता हूँ यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ, दूसरे से मैं कर्ज चुकता हूँ यानी इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगा देता हूँ, तीसरा मैं उधार दे देता हूँ यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ, और चौथा मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ यानी मैं एक पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना ना पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान हो चुका था। वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए धन का सही सही उपयोग करना होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ज्यादा लालसा नहीं रखनी चाहिए, जो मिला उसमें खुश रहना चाहिए, बल्कि हमारे पास काम हो लेकिन सदैव हमें सबसे प्रेम से और संतुष्टता के साथ रहना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए अब गौतम बुद्ध की छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी मौन रहने का महत्व कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्थी था। एक दिन स्वस्थी से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे और वहां सन्नाटा छाया रहा। स्वस्थी को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले, इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है, फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हों। अथ भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता हूं, वस्तुतः शांति से किया गया। भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। तो दोस्तों, चलिए अब गौतम बुद्ध की सातवीं कहानी की शुरुआत करते हैं। सातवीं कहानी, सिद्धार्थ और हंस। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नाम का अर्थ होता है वह जिसने अपने सभी इच्छाओं को पूरा किया हो। यह नाम उनके पिता राजा शुद्धोधन ने रखा था क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो सभी ज्योतिषियों और विद्वानों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर एक महान सन्यासी बनेगा। पनरतु बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे अपने पुत्र को एक महान राजा के रूप में देखना चाहते थे, न कि एक सन्यासी। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र फकीरों का जीवन जिए, इसलिए सिद्धार्थ के रहने की व्यवस्था विलासिता से पूर्ण की गई। उन्हें तरह तरह की सुख सुविधाओं से रखा गया, दुख की अनुभूति तक न होने दी। पनरतु एक सन्यासी के लक्षण तो बचपन में ही दिख जाते हैं। वे बचपन से ही शांत और सरल स्वभाव के थे। दया और करुणा तो उनके मन में कूट कूट करके भरी थी। अक्सर सिद्धार्थ एकांत में जाकर ध्यान मग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने उपवन में एक शांत जगह इसी प्रकार ध्यान मग्न थे, तभी एक घायल हंस उनके सामने आ गिरा जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक सफेद हंस तीर के वार से बुरी तरह घायल पड़ा तड़प रहा है। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मन द्रवित हो उठा और उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया। धीरे धीरे वे हंस को सहलाने लगे और फिर पास के सरोवर में जाकर उसका घाव धोकर उसके शरीर से धीरे से तीर को निकाला। तीर निकालते ही वह दर्द से तड़प उठा। तब सिद्धार्थ उसे धीरे से सहलाते हैं और उसके घाव पर पट्टी बांध देते हैं। उसी समय एक ओर से कुछ शोर होता है और उधर से उनका चचेरा भाई देवदत्त आता हुआ दिखाई दे। सिद्धार्थ के हाथ में वह हंस देखकर बहुत खुश होता है और हंस लेने के लिए सिद्धार्थ के पास दौड़कर आ धमकता है, देवदत्त, सिद्धार्थ, यह हंस तुम्हारे पास है और मैं इसे कब से इधर उधर ढूंढ रहा था। यह मेरा शिकार है, अब जाकर मिला है। सिद्धार्थ बोले, नहीं देवदत्त, यह हंस मेरा है, यह तो कब का दम तोड़।
तियत्ता, अगर मैं समय पर इसका इलाज न करता, देवदत्त बोला, दम तोड़ देता तो क्या यह तो मेरा शिकार है? मैंने इसे इसीलिए तो मारा है, तुम जबरदस्ती मेरे शिकार को हड़पना चाहते हो। इस तरह दोनों भाइयों में उस हंस के लिए वाद विवाद होने लगा और धीरे धीरे बात बढ़ गई। तब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि यह हंस किसका है। इस बात का निर्णय महाराज शुद्धोधन के पास जाकर ही होगा और दोनों भाई राज दरबार में गए। वहां उन दोनों ने अपना तर्क महाराज के सामने रखा। महाराज शुद्धोधन विचार करके बोले, चूंकि यह हंस देवदत्त का शिकार है, इसलिए इस पर पहला अधिकार देखा जाए तो देवदत्त का है। पनरतु सिद्धार्थ ने इसकी जान बचाई है और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का हुआ। महाराज शुद्धोधन का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक चमक आ गई और वे उस हंस के शरीर पर धीरे से अपना हाथ रख सहलाने लगे। तो दोस्तों, चलिए अब गौतम बुद्ध की आठवीं कहानी की शुरुआत करते हैं। आठवीं कहानी, विश्वास व श्रद्धा। भगवान बुद्ध धर्म प्रचार करते हुए काशी की ओर जा रहे थे। रास्ते में जो भी उनके सत्संग के लिए आता, उसे वह बुराइयां त्याग कर अच्छा बनने का उपदेश देते। उसी दौरान उन्हें उपक नाम का एक गृह त्यागी मिला। वह गृहस्थ को सांसारिक प्रपंच मानता था और किसी मार्गदर्शक की खोज में था। भगवान बुद्ध के तेजस्वी व निश्चल मुख को देखते ही वह मंत्रमुग्ध होकर खड़ा हो गया। उसे लगा कि पहली बार किसी का चेहरा देखकर उसे अनूठी शांति मिली है। उसने अत्यंत विनम्रता से पूछा, मुझे आभास हो रहा है कि आपने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। बुद्ध ने कहा, हाँ, यह सच है, मैंने निर्वाणिक अवस्था प्राप्त कर ली है। उपक यह सुनकर और प्रभावित हुआ। उसने पूछा, आपका मार्गदर्शक गुरु कौन है? बुद्ध ने कहा, मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया, मुक्ति का सही मार्ग मैंने स्वयं खोजा है। क्या आपने बिना गुरु के तृष्णा का क्षय कर लिया है? बुद्ध ने कहा, हाँ, मैं तमाम प्रकार के पापों के कारणों से पूरी तरह मुक्त होकर सम्यक बुद्ध हो गया हूँ। उपक को लगा कि बुद्ध अहंकारवश ऐसा दावा कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में उसका मन भटकने लग एक शिकारी की युवा पुत्री पर मुग्ध होकर उसने उससे विवाह कर लिया। फिर उसे लगने लगा कि अपने माता पिता व परिवार का त्याग कर उनसे एक प्रकार का विश्वासघात किया है। वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। संशय ने पूर्ण विश्वास व श्रद्धा का स्थान ले लिया। वह बुद्ध की सेवा सत्संग करके स्वयं भी मुक्ति पथ का पथिक बन गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।